शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। वो आदमी बदसलूकी करने की कोशिश की, उसका पीछा किया था हमने, लेकिन चेहरा ढंग से नहीं देख पाए थे। हो सकता है वो केशव की कदकाठी का हो, केशव ना हो, क्योंकि चेहरा तो तुमने भी ठीक से नहीं देखा था। ये फोन तो माजी का है। बड़ी बहू, बड़ी बहू, अरे का वो ये बड़ी बहू, देखिए इनको बुखार काफी तेज है, इसलिए इंजेक्शन देना पड़ा। वैसे आधे घंटे में टेम्परेचर कम हो जाना चाहिए, लेकिन अगर फिर भी बढ़ने लगे तो ठंडे पानी की पट्टियां कीजिएगा। पर डॉक्टर साहब, अचानक से इतनी तेज बुखार कैसे हो गया इन्हें? वही पता करने के लिए तो कुछ टेस्ट किए हैं। मैं किसी को भेज देता हूँ ब्लड कलेक्ट करने के लिए, और कम से कम 8 घंटे तो लगेगा रिपोर्ट्स आने में। डॉक्टर साहब, आपसे एक बात पूछनी थी। जी। क्या हम ये टेस्ट कल करवा सकते हैं? वो क्या है कि आज हमें कहीं निकलना था। नहीं नहीं, सवाल ही नहीं उठता है। देखिए इनको 103 फीवर है, और अगर ये पूरा आराम नहीं करेंगे तो बुखार कैसे जाएगा? तो प्लीज इन्हें पूरा आराम करने दीजिए। शुक्रिया आपका। खासी हंस बोल रही थी, अचानक क्या हो गया उसे जाते जाते? भगवान बस उसको जल्दी से ठीक कर दे। सही कह रहे हैं बाबूजी, बुखार जल्दी उतर जाए तो ठीक है। वो क्या है ना कि रात की ट्रेन भी है इन लोगों की, क्या कर सकते हैं। पर दवाई दी है तो उतर जाएगा, और फिर लेटे ही रहना है, आराम मिल जाएगा, सुबह तक तो गाड़ी पहुंच जाएगी। अब भानु जी ने कहा है तो टाल भी नहीं सकते ना उनकी बात। एक आधी रात की बात होती तो सोच सकते थे, लेकिन इतनी तेज बुखार है, एक दिन में उतरेगा भी तो नहीं ना। बाबूजी, चंद्रा ठीक है तो कह रही है, नेत्रा की तबीयत बहुत खराब है, उन लोगों से कह दीजिए आज जाना टाल दें। सच बेटा? हाँ, इतने बुखार में उसको भेज भी तो नहीं सकते ना, और कहीं रात बिरात ऊंच नीच हो गई तो केशव संभाल नहीं पाएगा, और श्रवणी बच्ची है अभी, परेशान हो जाएगी। ये बेटा तू नहीं, तेरी माँ की परवरिश बोल रही है बेटा। आज तुमने बड़े बेटे होने का फर्ज निभाया। भैया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें रुकने दिया। नहीं केशव, ना ही ये तुम्हारा घर है, ना ही हमारा, ये तो माँ का घर है, और वो होती ना तो वो भी यही चाहती। अरे ये क्या कर रहा हूं? भैया आप चिंता मत कीजिए, जैसी नेत्रा की तबीयत सही हो जाएगी हम वापस चले जाएंगे। इतना सब मत सोचो, आराम से रहो, ठीक है? बाबूजी। हाँ बेटा। बाबूजी आपने सुना ना भानु भैया ने क्या कहा? हाँ बेटा हमने सुना। ये बता कि बहू की तबीयत कैसी है? हाँ जी, उसका बुखार अभी भी नहीं उतरा है। उतर जाएगा बुखार बेटा, डॉक्टर ने दवाई दी होगी ना? हाँ बाबूजी, बस आप भगवान से प्रार्थना करिए कि उसकी सारी रिपोर्ट सही आए। रिपोर्ट्स ठीक ही आएंगी।
एक बार हम बहू से मिल लेते। भैया बाजी आओ बेटा। बाबा ताऊजी ने सच्ची में रोका? हाँ हाँ बाबा हाँ, हमेशा के लिए। अब उनकी बातों से तो ऐसा ही लग रहा था। पागल कहीं की, तब से कह रही है कि हम हार गए। देख लिया ना, भगवान ने बजा दी है डुगडुगी। वैसे भानु भैया मान जाएंगे, ये तो हमने भी कभी नहीं सोचा था। और ये सब बिना किसी सबूत के। और शवनी, ये सब तुम्हारी हिम्मत की वजह से हुआ है, जो चट्टान जैसे भानु के दिल को पिघला दिया। ये तुम्हारी पहली बड़ी जीत है। आपने एकदम सही कहा बाबूजी, ये सब कुछ शवनी के। अरे माँ, माँ पानी पीजिए। आप क्यों बैठी हुई? हम आपको लेटे रहना था ना। ठीक है शवनी, ठीक है। और तेरी आवाज की खनक सुन के और जल्दी ठीक हो जाएंगे। अच्छा, ऐसे कैसे? अभी तो हमें आपको कड़वी दवाई खिलानी पड़ेगी, वो भी जबरदस्ती। कोई नखरे नहीं माँ, पीनी पड़ेगी आपको। इसकी बातें सुनकर ऐसा लगता है जैसे हम इसे नहीं, ये हमें पाल रही है। हेलो। हाँ रुपेश। हाँ भानु भैया। ट्रेन सही समय पे मिल गई थी ना? जी भानु भैया। बैठ गए तुम लोग? ठीक है, आराम से जाना और पंखुड़ी का ध्यान रखना। हाँ हाँ भैया। ठीक है। और हाँ सुनो ना, पंखुड़ी को कहना कि इस तीज पर जब हम आएंगे ना तो मायके की पहली सौगात लेके आएंगे। ठीक है। रुपेश और पंखुड़ी आराम से ट्रेन में बैठ गए। एक बहन अपने ससुराल में खुश रहे, भाई को और क्या चाहिए, है ना? बहन की इतनी परवाह है, उसकी खुशी का इतना ख्याल है, और अपनी बीवी का नहीं। क्या मतलब? आपने केशव को माफ कैसे किया? वो तीनों जा रहे थे ना, तो फिर क्यों रोका? चंद्रा। क्या चंद्रा? आपने कैसे माफ किया और क्यों रोका उन तीनों को? आपने हमसे कहा था ना कि आप कभी माफ नहीं करेंगे। 7 दिन दिए थे ना आपने उसे, किया उसने साबित? नहीं किया, फिर क्यों रोका? आप अपनी बात से मुकर गए। चंद्रा, ये किस लहजे में बात कर रही हो तुम हमसे? इस लहजे में तो आज तक तुमने हमसे कभी बात नहीं की। जो हमने फैसला किया है सोच समझ के किया है। रही बात केशव, वो पिछले 8 साल से एक ही गलती की सजा लगातार काटते आ रहा है। लेकिन उस रात न तुमको पता है न हमको पता है कि वहां केशव था भी कि नहीं। ये गलत फहमी हो सकती है तुम्हारी। केशव को हम देखते हैं ना तो हमारा दिल राजी नहीं होता है कि वो ऐसा कर भी सकता है। वो तो देख भी नहीं सकता है। केशव हमारा सगा भाई है और हमारे भाई के ऐसे संस्कार नहीं हो सकते चंद्रा, नहीं हो सकते। अरे मुस्कुरा दे ना, आज तो तेरी ताई का मुंह लटकाने का दिन है। अरे उसने क्या क्या नहीं किया, कितनी कोशिश की। मुझे लगता है ना कि फोन भी उसी ने गायब करवाया है। लेकिन हमारी शवनी के आगे सब फेल है। नहीं बाबूजी, जहाँ तक हम चंद्रा भाभी को जानते हैं वो हार कर मुंह लटकाने वालों में से नहीं है। वो इस वक्त अपनी अगली चाल के बारे में सोच रही होगी। लेकिन अब वो क्या करेगी जब भानु ने खुद कह दिया है? लेकिन बाबूजी, आप तो अच्छे से जानते हैं कि भानु भैया ने भावुक होकर फैसला लिया था। लेकिन बेटा वो, बाबूजी हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि भानु भैया ने हमें पूरी तरह से माफ नहीं किया है। लेकिन जब तक हम चंद्रा भाभी के खिलाफ पूरा सबूत उन्हें दिखा नहीं देते, तब तक चंद्रा भाभी कुछ ना कुछ गलत फहमी पैदा करके जरूर हमें घर से बाहर निकालने की चाल चलेगी।
पर नेत्रा, उसकी क्या गलती? उस बेचारी ने किया क्या? उसकी हालत देखो, सफर भी नहीं कर सकती है वो। कम से कम तुम परिवार का नहीं मानती हो ना उन्हें, लेकिन इंसानियत के लिए कुछ दया करो, रहने दो ना उसे। और एक गलत फहमी के पीछे खून के रिश्ते नहीं तोड़े जाते। आराम कीजिए बाबा, ये सबूत वबूत सब कुछ हम बाद में सोच लेंगे ना, कर लेंगे। अभी देखिए ना, माँ की तबीयत कितनी खराब है। अभी तो हमें यही सोचकर खुश होना होगा कि हम जीत गए चंद्रा ताई जी से। बात है बहना, आज तो जीजा जी बहुत शेष नाक की तरफ फुंकार के गए हैं यहां से। कोई बात नहीं, खून का नशा सर चढ़ के बोल रहा है, किसी के ऊपर तो खून का नशा चढ़ा। खैर संभाल लो बहना, इस घर में ये अब तक की तुम्हारी सबसे बड़ी हार है। क्या हुआ? उसे आवाज नहीं निकल रहा है। जिस माँ के संस्कारों पे घमंड है ना, वो घमंड हम चने के भाव बेच कर आएंगे। ऐसा ना किया तो हमारा नाम चंद्रा नहीं। तो क्या करोगे बहना, जितना चाल चलना था उतना तो तुम चल दी, कुछ हुआ नहीं उससे। और वो मोबाइल, उसका भी कोनो उम्मीद है नहीं। हमें मोबाइल की परवाह है भी नहीं, अगर हमारे पास नहीं तो श्रवणी के पास भी नहीं है। तो अब तुम हमारे सर पे खड़े होके नाचो। आज तक कभी नहीं हुआ कि हमने कोई रास्ता ना निकाला हो, पर इस बार ऐसा रास्ता निकालेंगे जिसका कोई तोड़ नहीं होगा। सुनिए जी छोटी बहू, बाबूजी को चाय दे दीजिएगा, हम जरा मंदिर रुक के आते हैं। जी अच्छा जी। छोटी बहू, ये बड़ी मालकिन का फोन है। माँ जी का फोन, ये कहाँ से मिला आपको? कल रात बाहर कचरे के डब्बे से निकाले और हम देने आ ही रहे थे कि नेत्रा बहू बेहोश हो गई और उसी भागा दौड़ में ये रह गया। ठीक है, आप जाइए। माँ जी की निशानी है, यहीं रख देते हैं। हमारे कमरे में क्या कर रही हो? ओह, हम भानु ताऊ जी को धन्यवाद बोल रहे थे। इतनी जल्दी क्या है धन्यवाद की? और ये जो खुशी है ना यहाँ पर रहने की, ये ज्यादा दिन टिकने नहीं वाली है, खुशी खत्म हो जाएगी। भानु जी को तुम लोगों पर सिर्फ दया आ गई बस। देखिए उधर रास्ते से हटिए, हमको जान दीजिए, हमारी माँ की तबीयत बहुत खराब है।
जाते जाते सिर्फ एक बात सुनती जाऊं। आज रात सोना नहीं, ऐसा ना हो तुम्हारी आंख लग जाए, पूरा पहरा देना। हम कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है? सुबह से कुछ नहीं खाया है तुमने, ऐसे कैसे? बस हो गया जी, अब नहीं पी पाएंगे। देखो अगर तुम सूप नहीं पियोगी तो हम अभी तुम्हारी लाडली बेटी शर्वणी को बुला देंगे, और फिर देखो वो कैसे डांट लगाएगी तुम्हें। हाँ चलो चलो चलो। अरे वाह, शर्वणी का नाम सुनते ही इतना डर। बाबा ये डर नहीं है, हम दोनों का प्यार है। हम पिलाते माँ को? हाँ हाँ लो, हमारे यहाँ से पी नहीं रही, हम पिलाओ। पी लिया हमने बहुत सारा। माँ एक चम्मच पी लीजिए, कोई नखरे नहीं, पीजिए। अच्छा बाबा, माँ की रिपोर्ट आने वाली थी, आ गई? रिपोर्ट तो अब तक आ जानी चाहिए थी। हम पता कौन? हम अंदर आ जाएं? अरे बीना भाभी आइए ना। सुबह से सोच रहे थे पर हमारी हिम्मत नहीं हुई इधर आने की। अरे बीना भाभी, हम आपके देवर हैं, और फिर कैसा सोचना, आप आ जाती। उस दिन आप लोग हमारे पास आए और हमने आपसे ठीक से बात तक नहीं की, पर जब भानु भैया ने अपना फैसला बदला तो हमें भी लगा कि हम उस दिन बहुत ज्यादा बोल गए थे। हमने आपका बहुत मन दुखाया है केशव भैया, हमको माफ कर दीजिए। अरे नहीं बीना भाभी, हम आपसे हाथ जोड़कर माफी मांगते हैं, आप माफी मांगते हुए अच्छी नहीं लगती। हाँ भाभी, जो हुआ भूल जाइए ना, आप इधर आइए हमारे पास बैठिए। पता है ये तो हमेशा आपकी बहुत तारीफ करते हैं, फिर आप ये सब क्यों सोचती हैं? वो हम मंदिर जा रहे हैं, तुम इन फूलों पे हाथ लगा दो, आज अमावस्या की खास पूजा है, तुम्हारी भी मन्नत पूरी हो जाएगी। भाभी हमें भी अपने साथ मंदिर ले चलिए ना, जब से इस घर में आए हैं कहीं बाहर गए भी नहीं है, और वैसे भी हमारा बहुत मन है आरती में शामिल होने का। बिल्कुल नहीं माँ, आप कहीं नहीं जाएंगी, आपकी तबीयत इतनी खराब है माँ। शर्वणी हमारा जाना जरूरी है बेटा, वो हमने पापा की आंखों के लिए मन्नत मांगी ना, इसीलिए। हाँ बेटा, हमारी आंखें वापस आ जाएं, इसके लिए नेत्रा ने ना जाने कब से मन्नतें मांग रखी हैं। हमेशा सोचती है कि किसी दिन इसकी सुनवाई होगी, और लो आज हो गई सुनवाई। हाँ हाँ चलते हैं, मंदिर तो पास में ही है, एक काम करेंगे कि गाड़ी से चल लेंगे। हाँ ये ठीक रहेगा। नहीं माँ, हमने कहा ना आप कहीं नहीं जाएंगे, आपकी तबीयत बहुत खराब है। नहीं हमें कुछ नहीं होगा शर्वणी, हम पहले से बेहतर महसूस कर रहे हैं बेटा, बस यूं जाएंगे और यूं आ जाएंगे। ए जी आप समझाइए ना इसे। हाँ बेटा जाने दो माँ को। अच्छा चलो ठीक है, एक काम करते हैं, हम तुम्हारी माँ के साथ चले जाते हैं, फिर तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है ना। नहीं बाबा, माँ की तबीयत कितनी खराब है, रात में आपने देखा नहीं था कितना तेज बुखार आया था माँ को। शर्वणी हमें कुछ नहीं होगा, हम अपना ध्यान रखेंगे, और अगर मंदिर नहीं जाएंगे ना बेटा तो हमारी मन्नत अधूरी रह जाएगी, और अगर भगवान जी नाराज हो गए तो। हाँ शर्वणी तुम्हारी माँ बिल्कुल सही कह रही है, जाने दो उसे। ठीक है, लेकिन अपना ख्याल रखिएगा। रखेंगे दादी अम्मा। माता रानी हमारी माँ को जल्दी से ठीक कर दीजिए, उनको बहुत तेज वाला बुखार है, शायद उनके बुखार की वजह से खानू ताऊ जी ने हमें इस हवेली में
थोड़े और दिन के लिए रुकने को कह दिया। ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसे माँ को कमजोर देखकर हमें अच्छा नहीं लग रहा है। अब प्लीज जल्दी से हमारी माँ को अच्छा अच्छा कर दीजिए और उनकी रिपोर्ट भी बिल्कुल अच्छी है। दादी आप तो भगवान जी के पास हो ना, तो आप उनसे कहिए ना कि हमारी माँ को जल्दी से ठीक कर दे, उनको कुछ ना हो। अरे दादी की फोटो टेढ़ी है, अभी ठीक करते हैं। बेटा डॉक्टर अंकल आप आइए ना, आइए बैठिए, आइए। हाँ आइए बैठिए। माँ मंदिर गई है, आती होगी। बेटा तुम अपने पापा को बुला दो, तुम्हारे माँ की रिपोर्ट्स आ गई है। सब कुछ ठीक है ना, कुछ बुरा तो नहीं है ना उसमें? हाँ डॉक्टर अंकल क्या हुआ, कोई परेशानी है क्या? हाँ सब कुछ ठीक है ना, कुछ चिंता की बात है क्या? हाँ, नहीं नहीं नहीं, तुम अपने पापा को बुला दो, मैं उन्हें सब समझा दूंगा, अभी तुम छोटी हो ना। वो मंदिर गया, आप हमें बताइए ना क्या हुआ। बेटा जिद नहीं करते, मैं तुम्हें नहीं बता सकता, या तो तुम अपने दादाजी को बुला दो या फिर बड़े पापा को बुला दो, उन्हें बता दूंगा मैं। अब हमें बताइए ना, हम ही उनके बेटे, हम ही उनका ख्याल रखते हैं, बताइए क्या बात है, सब ठीक है ना? बेटा वो हाँ हाँ बताइए। बेटा तुम्हारी माँ को ब्लड कैंसर है। ब्लड कैंसर? हाँ बेटा लास्ट स्टेज। देखो बेटा तुम्हारी माँ के पास बहुत कम समय बचा है, जो कुछ आखिरी के चंद दिन बचे हुए हैं उन्हें आरामदेह बना दो। शर्वणी ये कहाँ है? तो कुछ अस्पताल का पर्चा लग रहा है। बेटा तुमने बताया नहीं कि तुम्हारी माँ की रिपोर्ट्स आ गई है। बहुरिया जरा देखो क्या है इसमें। मासूम श्रवणी का हौसलों भरा सफर देखने के लिए अभी अपने टीवी पर लगाइए शिमारू उमंग।